हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद साहू और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोबाइल अप टू पेट प्रमोद साहू में। तो दोस्तों, मैंने कल ही एक वीडियो बनाए थे जो ड्रम मशीन का न्यू अपडेट आया है उसके बारे में। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पेंच है, स्टोरेज वाला ऑप्शन है, वो फाइल जो है शो नहीं हो रहा है, पेंच जो है लोड नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में कल बताया था, लेकिन आज उसके पेंच लोड करके आपको बताऊँगा, उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं, आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको लोड करना है करके। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन में आ गए हैं। तो जो ड्रम मशीन, ये रहा जो नया अपडेट वाला है। तो ये आपको अगर यकीन नहीं हो तो प्ले स्टोर से ही ओपन करते हैं सीधा, नहीं तो कई लोग कहेंगे कि नहीं भाई ये ओल्ड वर्जन को बता रहा है ऐसे करके, समझेगा। इसलिए प्ले स्टोर में डायरेक्ट चलते हैं और सीधा ओपन करते हैं वहीं से। ये ड्रम मशीन और ओपन करते हैं डायरेक्ट इसको। ओपन हो रहा है, मोबाइल स्लो है इसलिए लेट लग रहा है। ठीक है, अभी तुरंत ही नेट मतलब डाटा ऑन किया हूँ ना, इसलिए और स्लो हो जाता है। तो देखते हैं कि पैच लोड होता है कि नहीं। अभी तो देखिए सेम वही प्रॉब्लम है, आज भी नहीं हो रहा है अभी लोड। ये देखिए हम टिक, ये देखिए अनटिक, टिक कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है। तो चलिए इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले इसको हम बैक कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड, डाटा जो है बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत जो हैंग हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फाइल मैनेजर में जाना होगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद जैसे फोल्डर में हम अपने आ गए मोबाइल का, उसके बाद जैसे कि हम पेंच जो डाउनलोड करके रखते हैं या किसी भी फोल्डर में पेंच रखते हैं, तो उसको पेंच को जो है पेंच वाले फोल्डर में जाना है जी। तो हम यहाँ से कोई एक पेंच ले लेते हैं और उसको कॉपी करेंगे इंटरनल स्टोरेज में आना है। उसके बाद एंड्रॉयड जो फोल्डर रहता है उसमें जाना है। एंड्रॉयड फोल्डर में जाने के बाद डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद इसमें ड्रम मशीन का जो फाइल है, सभी ऐप का बना है तो ड्रम मशीन का फाइल हमको खोजना है इसमें। ठीक है, तो ड्रम मशीन जिसका आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेगा उसका बनता है ये फोल्डर। ठीक है, डाटा बेस फाइल रहता है ये, तो हमको नज़र नहीं आया। ये देखिए कॉम डॉट बी टी आई डी मशीन लिखा, यही वाला है। और सॉरी ऊपर का क्लिक हो गया जो ये वाला। ठीक है, उसके बाद फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद ये देखिए पेस्ट कर देना है सीधा। तो चलिए अभी एक ही पेज किए हैं, अब सीधा जा के देखते हैं वहाँ पे कि वो आ रहा है कि नहीं। तो देखिए रिसेंट में ही ओपन है ड्रम मशीन हमारा जो अभी ओपन किए थे। तो ये तो अभी पहले डिफ़ॉल्ट पेज है,
ये जो, ठीक है, अब फिर लौट करके देखते हैं इसमें। मशीन ये देखिए, जो अभी हम किए हैं तो वन टिक करेंगे तो भाग जाएगा, और ये करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लोड करके देखते हैं। तो ये पेंच देखिए आ गया, उस फोल्डर में जो भी पेंच जो डालोगे वो आ जाएगा। तो चलिए उसमें दो चार पेंच और डाल लेते हैं, फिर देखते हैं आते हैं कि नहीं। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, पांच पेंच को कॉपी करते हैं वहाँ पे। इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉइड डाटा, और जाना है हमको ड्रम मशीन वाले फाइल में। तो ये देखिए स्टार्टिंग में है, हम लोग मिस हो गए थे, मतलब मैं मिस हो गया था, नहीं खोज पा रहा था। तो ठीक है, ये फाइल में जाना है फिर, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट हो गया, पहले का एक और अभी पांच। ठीक है, तो अब देखते हैं जाके वहाँ पे। ठीक है, ये जो अभी पहले वाला लोड किए थे वो, अब चलिए देखते हैं लोड में। तो वन टिक है, अभी टिक लगाते हैं। तो ये देखिए, जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अच्छा देखिए पांच छः जो पेज हमने कॉपी किए हैं वो आ गए पूरे। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे चेंज कर सकते हो इसमें। ये तो ऐसे करेंगे फ्रेंड, ठीक है, ये देखिए। और दोस्तों अगर आपको पेंच बनाना है इसमें तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन दिक्कत नहीं, क्योंकि इसीज में, जैसे कि इसीज फोल्डर में आपको रखना है जो भी साउंड पेंच बनाने के लिए, तो वो लोड हो जाएगा आराम से। जैसे कि एडिट में जाएंगे और जैसे क्रेश में, तो इसमें क्या हमारे फाइल को चेंज करना है, तो ये इसी में के हो गया। और स्टोरेज में क्लिक करेंगे तो ये देखिए फोल्डर आ गया है। तो किसी भी फोल्डर में किसी भी का कर सकते हैं, जैसे पेज बनाते हैं या दूसरा है, तो इसमें का जैसे साउंड डालना है ऐसे, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, इसमें डाल के देखते हैं। दूसरे का ये देखिए चेंज हो गया। तो ये है, ऐसे करना है आपको। वहीं एंड्रॉयड वाले फोल्डर में ना, और ड्रम मशीन का जो फाइल है BTE वाला, तो उसमें जाके फाइल में जाके आपको उसको कॉपी कर देना है पेंच को, फिर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो मैंने दिमाग लगा के बहुत मेहनत किया कल भर, और कल दिन भर इसमें आज मतलब आज और कल करके दिन भर इसमें दिमाग लगा के ये सॉल्यूशन खोज के लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, ट्राई करेगा आपके में भी ज़रूर आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में।
इतना ही है आज का, तो और अगले वीडियो में मिलते हैं। और जल्द ही मेरा रेगुलर वीडियो आने वाला है मोबाइल ऑक्टोपेड पेज म्यूजिक के साथ। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।